अब बुलेटिन में भी सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। बीएचयू में बवाल हुआ है, बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के वाराणसी से आ रही है, जहां पर बीएचयू में बीफ पर सवाल को लेकर बवाल हुआ है। देखिए, प्रश्न पत्र में सवाल पूछने पर छात्र भड़क गए हैं। बीएचयू में एक बार फिर से बीफ पर सवाल को लेकर बवाल उठा है। बैचलर ऑफ वोकेशन के सेकंड सेमेस्टर में प्रश्न पूछा गया, आपको दिखाया भी जा रहा है प्रश्न पत्र, जिसके बाद बीएचयू में छात्रों ने बवाल शुरू कर दिया। प्रश्न पत्र में सवाल पूछने पर छात्र भड़क गए। छात्रों ने कुलपति को पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना जी ने बहुत ही कुछ सोच समझ के बनाया था, और महामना जी हमेशा से गोवंश संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने गौशाला विश्वविद्यालय में बनाया है, और उसी विश्वविद्यालय में आज बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। एग्जाम का पेपर बना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहाँ पे मालवीय जी के बगिया में एक तरफ गौशाला बनाने का कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे पेपर बनाया जा रहा है कि इस पे क्या हुआ। इनको तो पेपर यह बनाना चाहिए कि गौशाला से क्या क्या बच्चों को लाभ हो सकता है, लाभ में दूध दही के विभिन्न प्रकार, इनको ये पूछना चाहिए। अगर आप कोई नया कोर्स चला रहे हैं, बच्चे होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, तो उनको अधिक से अधिक ये बताए कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ वोकेशनल कोर्स कुछ चलते हैं, और उसी में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग वाला जो कोर्स है, उसकी कल सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था। उसके प्रश्न पत्र में क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ पूछा गया, और दुर्भाग्य ये कि वो उस विश्वविद्यालय में पूछा गया जिसके जो संस्थापक थे वो गौरक्षा आंदोलन के अग्रगण्य नेता थे पूरे भारतवर्ष में। काशी में भी जो है कि महामना की प्रेरणा से कई गौशालाएँ स्थापित की गई और आज भी जो चल रही हैं, और खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने जो है गौशाला की स्थापना करवाई। गौ गंगा की सेवा के लिए वो सतत जो है आजीवन उन संस्थाओं में, कई संस्थाओं के तो वो अध्यक्ष भी रहे, संस्थापक भी रहे, और कई संस्थाओं के जो है वो मार्गदर्शक रहे, जो गाय और गंगा दोनों की सेवा के लिए जो है सतत प्रयास करती थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मदन मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, एक बार फिर से बीएचयू में बवाल हो रहा है, अक्सर विवादों में रहता है, और इस बार छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि बीएचयू में प्रश्न पत्र में जिस तरह बीफ को लेकर सवाल किए गए हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, चारों लिए बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए तो मालवीय जी की बगिया जो है एक बार फिर से जो है संसार उठ गया। इसमें कहा जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है एक बार जो है फिर से जो है बवाल मचा है, वो है प्रश्न पत्र को लेकर के। इसमें अगर कहा जाए तो बैचलर ऑफ वोकेशनल में जो है सेकेंड सेमेस्टर में जो है ना बीप पे जो सवाल पूछे गए हैं, जिसको लेकर के छात्रों में जो है काफी नाराजगी है, इसको लेकर के उन्होंने कुलपति को जो है पत्र भी लिखा है कि जिस तरह से है प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पत्र हैं, और इसमें जो है गौ माता को लेकर के यानी गौ मांस को लेकर के जो है ना उसे पढ़ाई का लेकर के हम लोग को प्रतिक्रिया से कहा जाए तो दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर करके जो है छात्रों ने नाराजगी जताई है, और इसको जो है कुलपति को जो है एक पत्र लिख करके जो है इसके अवगत भी कराया है। तो अगर हम बात करें तो पिछले में देखा गया था कि जब प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसमें ज्ञान बापी को लेकर के जो है उसमें जो है प्रश्न पत्र थे, उस समय जो है एक तरह से कहा जाए तो विवाद उत्पन्न हुआ था। अब दूसरा जो है कहा जाए तो फिलहाल क्या आश्वासन उन्हें दिया गया है, उनके पत्र पर क्या रिएक्शन? बिल्कुल, जिस तरह से जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसको लेकर के छात्र जो है कुलपति से मिले, कुलपति को जो है एक लिखित पत्र दिया, लिखित पत्र में जो है कुलपति ने कहा है कि इस पर जो है इसमें देखते हैं, क्योंकि पिछले बार भी जब इस तरह के जब सवाल जब आए थे तो कुलपति ने जो है ना पल्ला झाड़ा था और कहे थे कि ये प्रश्न पत्र आखिर कैसे मतलब जो है ना मीडिया के समक्ष जो है ना चले गए। तो इस तरह के जो प्रश्न है लगातार जो है कहा जाए तो बीएचयू जो है विवादों के घेरों में है, और इसको लेकर के छात्रों में जो है काफी नाराजगी भी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मदन।